खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां विकासशील इंसान पार्टी के तत्वाधान में शाहपुर लपटा मैदान में विशाल निषाद अधिकार जनचेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए वीआईपी संस्थापक सह पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बिहार सरकार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने कहा, हमने 2014 में निषाद आरक्षण आंदोलन के लिए निषाद विकास संघ का गठन कर बिहार में निषाद समाज को जोड़ने जगाने का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के निषाद समाज को जगाने के लिए 2016 में पूरे प्रदेश में निषाद क्रांति रथ लौटन राम निषाद के नेतृत्व में घुमाया। निषाद राज की जयंती पर 11 अप्रैल 2016 को श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में महाराज गुहराज निषाद की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाया। विगत 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश को 18 जिलों में वीरांगता फूलन देवी की 18-18 फीट ऊंची प्रतिमा उनकी 20वीं पुण्यतिथि लगवाने के लिए भेजा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के सारे प्रशासन ने लगाने से रोक दिया और प्रतिमाओं को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण अधिकार दिलाना व जातिगत जनगणना कराना वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आरक्षण नहीं तो मिशन 2022 में भाजपा को समर्थन व उससे गठबंधन नहीं। यदि सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण चुनाव से पूर्व देने का राजपत्र व शासनादेश जारी कर दिया तो बिना सीट की मांग के भाजपा को सहयोग व समर्थन दिया जाएगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, यही वीआईपी का नारा है। अब वादा नहीं, आरक्षण अधिकार का राजपत्र व शासनादेश चाहिए। आज आप बिहार से जो है उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ की? देखिए, महसूस बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप देख ही रहे कि किस तरीके से निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़े हैं और सभी लोगों ने पार्टी को मजबूती से खड़ा किए। सिर्फ 3 महीने में पार्टी देखिए कि इतनी मजबूती से खड़ा हो गया और मजबूती से हम लोग 2022 में 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। और निषाद समाज का मजबूती से अधिकार जो है आरक्षण, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम निषाद मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आज बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार में, झारखंड में नहीं है। तो हमारी पार्टी जो है वो निषाद समाज के आंदोलन से उत्पन्न हुआ पार्टी है। आज मजबूती से हम लोगों ने लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में आज सरकार का मैं पार्ट हूँ, एनडीए के साथ हूँ और मजबूती से वहाँ पे समाज के लिए हक अधिकार की बात करता हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मजबूती से अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए काम करे ताकि उत्तर प्रदेश में भी समाज का जो हक अधिकार है वो मिले। आज देख ही सकते हैं कि आज हमारे साथ किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। आज हमारे वीरांगना फूलन देवी जी का प्रतिमा पे माल्यार्पण करना था लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने अलाउ नहीं किया, हमें आना था बनारस से हमें लौटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, एक जाति को छोड़कर खास करके गरीब लोगों को, सरकार के जो खजाना होता है उस पर हमेशा अधिकार होता है, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनका हमेशा अधिकार होता है लेकिन ये सरकार जो है मजबूती से निषाद को इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि हम लोग संघर्ष करेंगे, एक न एक दिन हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जो संविधान में जो हमें ताकत मिला उस संविधान के अनुकूल हम लोगों को न्याय देंगे, हर जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसे हमारे चुनाव लड़ेंगे, सीटों की संख्या ज्यादा, क्या किसी अन्य सीटों पर गठबंधन होगा? देखिए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 165 सीट ऐसे हैं जहां पे हमें थोड़ा सा सहयोग और कैंडिडेट हमारा अच्छा होगा तो 40-50 सीट हम मजबूती से लड़ जाए। निश्चित तौर पे 403 सीट पर हमारी तैयारी नहीं है, हम 165 सीट पे ही तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि 165 पे लड़ेंगे, हमें तो 10-20 जो भी जीतेंगे वो उत्तर प्रदेश के जनता हमें जिताएंगे, लेकिन जो लोग इस वोट को अपना जागीर समझ रहे हैं ऐसे लोगों को कम से कम 75 से 100 सीट हारना पड़ेगा। हमारा पहला कोशिश यही होगा कि हम नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, लेकिन सामने वाला जो हमारे वोट पे क्लेम करता है कि ये वोट हमारे साथ है, ऐसे लोगों को पहले बता देना चाहेंगे कि ये वोट आपके साथ नहीं है, ये वीआईपी पार्टी के साथ है और आपको यहाँ पे सत्ता से, सरकार से आप लोग बाहर हैं। देखिए, आप वहाँ पे हम एनडीए के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ में हम सरकार वहाँ पे चला रहे हैं और नीतीश जी को हमने समर्थन दिया, भाजपा ने समर्थन दिया, हम पार्टी ने भी समर्थन देके वहाँ पे सरकार में हम लोग हैं। जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पे भाजपा के साथ हैं तो उत्तर प्रदेश में भी साथ होंगे। अगर साथ होंगे तो पहले हमारे दिल्ली में आरक्षण लागू कर दीजिए, जो हमारे संविधान में अधिकार है उसका आरक्षण लागू कर दीजिए, तो मैं बगैर कंडीशन के मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक आप आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि आपसे दोस्ती करना या समझौता करना निषाद समाज के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगा। निषाद समाज का अधिकार है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मेरा, मैं योद्धा हूँ और मुझे आज लोगों ने सनप मल्ला कह के पुकारता है कि आप हमारे लिए लड़ो, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि जनता जो है वो हमारी मालिक है, जनता जो है वो हमारी परिवार है और मेरा यही है कि हमारे अपने परिवार के लिए, जनता के लिए हमें काम करना है। बिहार में आपकी कितनी जारी करेगी?